नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और स्वागत है आपका आज के एक और SML Isuzu वाले वीडियो में। आज मेरे पास खड़ा है सम्राट GS। भाई कलर देख के कन्फ्यूज मत होना, ये सरताज नहीं है, ये सम्राट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम्राट GS। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ग्लोबल सीरीज वाला कैबिन रहने वाला है। अब ग्लोबल सीरीज के कैबिन में काफी सारे ऐसे बेनिफिट्स हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में भी ये कैबिन चलता है और बाहर भी ये वाला कैबिन ही चलने वाला है। तो इस ट्रक में आप लोगों के लिए मैं मैक्स आउट वर्जन लेके आया हूँ, मतलब इससे और ज्यादा हायर चीज नहीं आने वाली। अब हायर चीज की कैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें आप लोगों को 21.7 फुट की लोड बॉडी देखने को मिल रही है। ये HSDR की हाई सेट डेक अपन इसको बता सकते हैं, ये आई रखा है। और भाई देखो, कैबिन यहाँ पे गया, यहाँ पे टच हो गया, इतना ये भार है, मतलब भार भी सबसे ज्यादा यही चीज आ रखी है। और क्या चीज इसमें, मतलब मैक्स आउट वर्जन हो गया, अब और क्या चीज आप लोगों को चाहिए इसके अंदर बताएं कि 114 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के दे देता है। 310 mm की आप लोगों को इसमें क्लच देखने को मिल जाती है, वहीं 5 स्पीड का फुली सिंक्रोनस गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट भी अपन आराम से बता देंगे, वैसे ये सरताज से कुछ सिमिलर रहने वाली है, बट इसमें कुछ और एडऑन्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आप लोगों को म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, उसकी भी आवाज़ आप लोगों को सुना दी जाएगी। और पीछे 8.25 वाले टायर्स मिल रहे हैं, एंटी रोल बार्स का फंक्शन नहीं मिल रहा, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स फ्रंट में, सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स आप लोगों को रियर में देखने को मिल जाएंगे। 6 टायर का कॉन्फिगरेशन भी आप लोगों को मिल जाता है, उसी के साथ में आप लोगों को एयर ब्रेक का कॉन्फिगरेशन इस ट्रक के साथ देखने को मिल जाता है। तो आओ एक्सप्लोर करवाता हूँ उसको पास से। तो अपन गाड़ी की शुरुआत कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं भाई कहाँ खड़ा है ये। तेज मोटर्स पे खड़ा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस ट्रक के बारे में। तो एक की आप लोगों को ये मिलेगी SML की ब्रांडिंग के साथ में, दूसरी की आप लोगों को ये मिलेगी डेफ वगैरह के लिए, फ्यूल के लिए आप लोगों को, तीसरी की का कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा जो कि छोटा सा रहने वाला है, ठीक है। फ्रंट में आप लोगों को SML की ब्रांडिंग के साथ में सम्राट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये वॉशर फ्लूइड स्प्रे करने वाले नोजल देखने को मिल जाएगी, वाइपर का कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, और ये ग्लोबल सीरीज का केबिन आप लोगों के लिए कुछ ऐसा रहेगा। BS6 फेज 2 में ये ट्रक आ जाता है, और अगर इसकी ग्रॉस वेट की बात करें तो 10,700 किलो से लेके 11,120 किलो तक की रेंज में GVW इसका रिप्रेजेंट हो जाता है। इसमें फ्रंट्स में आप लोगों को हेडलाइट्स का कॉन्फिगरेशन ये ऐसा मिलेगा, इंडिकेटर्स और पायलट लैंप का कॉन्फिगरेशन ये मिलने वाला है। नीचे आप लोगों को रिफ्लेक्टर्स देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग फॉग लैंप्स भी लगवा सकते हो। तो हुक की प्लेसमेंट ये रहने वाली है, सिंगल स्प्लिट में आप लोगों को ग्रिल मिलने वाली है जो कि मेटल फिनिश में पूरी रह जाएगी। लाइसेंस प्लेट के पीछे आप लोगों को छुपा के हॉर्न्स दे दिए गए हैं, लाइसेंस प्लेट आप लगवा ही लोगे, मेटल का बम्पर मिलेगा, पूरा मेटल का बम्पर ये मिलने वाला है भाई, और अच्छी खासी लगती भी है मेटल को बिड़ाने से। तो वाइड बॉडी ये रहने वाली है, अपन इसको वाइड बॉडी बता सकते हैं, इतनी भी वाइड नहीं है, नॉर्मल वाइड बॉडी ये रहने वाली है। इसकी जो डायमेंशंस है, लोड बॉडी की वेट देख लो कितना बाहर है, उसी के हिसाब से आप लोगों को ORVMs मिल जाएंगे इतने बाहर, और इस साइड भी उतने ही बाहर, डबल ORVMs का कॉन्फिगरेशन ये रहता है। वहीं अपर मार्कर लाइट्स आप लोगों को HSD में मिल जाएंगी, मतलब हाई डेक बॉडी में देखने को मिल जाएंगी। कैबिन बॉडी चेसिस और कैबिन लोड बॉडी कॉन्फिगरेशंस में ये आता है, फिक्स्ड FSD में भी आता है और HSD में भी ये आता है। साइड रेल्स मिल जाएंगी, ड्राइवर साइड ही आप लोगों को फ्यूल फिलिंग और डेक फिलिंग का कॉन्फिगरेशन देखने को मिल जाएगा। 90 लीटर का फ्यूल टैंक और 180 लीटर का फ्यूल टैंक का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है, 180 वाला ऑप्शनल होता है, 15 लीटर का डेफ टैंक मिलता है। एयरबॉक्स की प्लेसमेंट भी आप लोगों को ड्राइवर साइड का कॉन्फिगरेशन में ही मिल जाती है। फेंडर माउंटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, मार्कर लाइट्स का कॉन्फिगरेशन लोड बॉडी पे देखने को मिल ही जाता है। 21.7 फुट की टोटल लंबाई वाली ये लोड बॉडी रहने वाली है, फ्रेम में भी नहीं आ रही, 21.7 फुट की लंबाई वाली ये पूरी लोड बॉडी रहने वाली है। वहीं दो चौड़ाइयों में आती है, 2060 mm की और 2136 mm की चौड़ाई के साथ में ये बॉडी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। फ्रंट में सिंगल्स, रियर में ड्यूलीज का ऑप्शन मिलता है, साइड क्रैश गार्ड्स मिलते हैं, वहीं ड्यूलीज की साइज भी आप लोगों को 8.25 वाली मिल जाती है। साइज दिखा देता हूँ, 8.25-16 PR वाले मिल जाते हैं। वही सस्पेंशन की बात करें तो सेमी इलेप्टिकल डबल एक्टिंग वाले सस्पेंशन मिलते हैं, उसी के साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स जो कि टेलीस्कोपिक शॉक एलिमिनेटर्स का काम करने वाले हैं। फ्रंट और रियर दोनों में यही कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है। वहीं पीछे आ जाते हैं तो रोप टाइंग पॉइंट्स का कॉन्फिगरेशन मिलता है और ये कुछ ऐसा SML की ब्रांडिंग के साथ डरे का गेट मिल जाता है। नीचे डॉग बम्पर मिलेगा जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलने वाला है। वहीं बॉक्स टाइप में आप लोगों को इसका चेसिस देखने को मिलने वाला है और ट्यूबुलर क्रॉस मेम्ब्रेन सपोर्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक तो पीछे ही दिखाता हूँ कुछ ये ऐसे, वहीं बीच में प्रेशर टैंक्स आगे दिखी गए होंगे आप लोगों को, नहीं दिखे अब देख लो। रियर फ्लोटिंग एक्सल रहने वाली है और उसी के साथ में आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक शॉक एलिमिनेटर्स वाला शॉक एब्जॉर्बर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो हुक की प्लेसमेंट कुछ ऐसे मिलेगी, लाइसेंस प्लेट की पोजिशनिंग का कुछ ऐसे मिलेगा, हेलोजन में लाइसेंस प्लेट की लाइट मिल जाएगी इस हिसाब से। रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स
और देसी भाषा वाले डाट पीछे मिल जाएंगी, ये निकाल के आप लोग अंदर रख लेना वरना कोई निकाल के ले जाएगा। एसएमएल की ब्रांडिंग के साथ में, और भाई देखो आगे आगे देखो टॉप पे जो अपन फ्रंट मार्कर लाइट्स होती हैं वो लोड बॉडी पे लगा दी गई हैं, तो मार्कर फंक्शन अच्छा रहेगा ही। और लोड बॉडी के अंदर से दिखा दें तो ये आप लोगों को लोड बॉडी के अंदर का पेंट क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। इतनी बड़ी लोड बॉडी है भाई, चल के मज़ा आ जाए। अपर आप लोगों को जो थोड़ा आर्ची फील वाले सपोर्ट्स मिल जाएंगे लोड बॉडी के लिए, और वहीं पैसेंजर साइड से बात करें तो कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। तो ये भाई आप लोगों को पूरी बड़ी लोड बॉडी मिल जाएगी, 6 टायर्स तो चल रहे हैं, एक टायर लटक रहा है जो कि स्पेयर व्हील वाला है, इसकी भी सेम साइज़ देखने को मिलने वाली है। 12 वोल्ट का बैटरी सिस्टम मिल जाएगा और 2-3 जॉइंट्स में आप लोगों को प्रोपेलर शाफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसे प्रोपेलर शाफ्ट होल्डर्स वगैरह भी हैं, टू व्हीलर सपोर्ट्स ये रहे क्रॉस मेम्ब्रेन वाले, और ये अपना बॉक्स टाइप का वाला चेसिस रहने वाला है ही। फ्रंट में भी सेम इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग्स वाला सस्पेंशन रहने वाला है, रियर में भी यही रहने वाला है, मार्कर लाइट्स का फिक्स पोजीशन रहने वाली है ही। और 14, 17, 19, 21.7 फिट के कॉन्फ़िगरेशन में ये लोड बॉडीज आप लोगों को मिल जाती हैं। तो पैसेंजर का प्रोस्पेक्टिव मैं पहले देता हूँ, इस बार सम्राट की ब्रांडिंग, एसएमएल की ब्रांडिंग, और ये लोक है, छोड़ो कि यहाँ से आप लोगों को कैबिन की टिल्टिंग मिल जाएगी जो कि मैनुअल रहने वाली है, और फ्यूल फिल्टर्स वगैरह यहीं देखने को मिल जाएंगे। अंदर फ्लीट एज गार्ड वाला सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि ब्रीथर होता है, वो भी कभी डिटेल आराम से समझाएंगे बैठ के। 3455 cc वाला इंजन है वो वहाँ पे बीच में बैठा है, उसके पीछे आप लोगों को SMD40S वाला 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाना है। अभी चलते हैं ड्राइवर की कंफर्ट बताते हैं, ओपन कर लेते हैं ड्राइवर को कैबिन को। तो ये मोनोटोन में आप लोगों को इंटीरियर थीम देखने को मिल जाने वाली है, स्टेपर्स का कॉन्फिगरेशन रहेगा, ग्रैब हैंडल का रहेगा, लॉकर का रहेगा, अनलॉकर का रहेगा, कांच चढ़ाने के लिए भी रहेगा, और ग्लोबल सीरीज है। जापान में पहले ये ट्रक्स देखे जाते थे इतना लो डिप एंगल के साथ में, ताकि उधर का व्यू आराम से बैठ जाए, और यहाँ से अगर अपन देखें तो नीचे वाला जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका भी व्यू आराम से देखने को मिल जाए। और अभी चल लेते हैं अंदर, सीधी सी बात करते हैं। तो भाई ग्लोबल सीरीज के केबिन का गेट खोल के ग्रैब हैंडल को पकड़ के बिना स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हम आ जाते हैं अंदर, और अंदर इतनी कुशनिंग वाली सीट है मैं इसको लंबा आराम से चला सकता हूँ, आप लोगों के लिए फटिगनेस नहीं होगी। इसको कर लेते हैं बंद और पूरा कांच अपन बंद कर लेते हैं। तो ये आप लोगों की साइड से वैसे ये गेट खुला है, वरना ये आराम से भाई आराम से ये केबिन साइलेंट रहने वाला है। 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स ये रहा, सीट मेरी एडजस्टेबल है ही, कितने तरीके से एडजस्टेबल है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये इतनी आ गई और ये इतनी टच हो गई, ठीक है, और भी टच हो सकती है, कैसे मैंने अपनी सीट को आगे भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फ्यूजन भी SML सम्राट में GS सीरीज के केबिन में मिल जाएगा। इसको मैंने इतना किया, अब और देखना रिक्लाइनर के मजे देखना। अब मैं इतनी इसको रिक्लाइन करके ये ट्रक चला सकता हूँ आराम से, ऐसा ये पोजीशन अच्छी है ट्रक चलाने के लिए। और लेग रूम भी देखो, पूरी सीट आगे रखी है फिर भी लेग रूम मेरे को डिसेंट मिल रहा है। सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ, सीट को आगे ऊपर भी करना पड़ेगा पहले, एक मिनट रुको, इतनी ठीक है, इसको और पीछे कर लेते हैं। तो ये सारा कॉन्फिगरेशन रहने वाला है भाई। हेडरूम में तो कोई कमी रहने नहीं वाली, यहाँ पे आप लोगों को सनवाइजर्स मिल जाएंगे, वहीं आप लोगों को जो स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है वो आप लोगों को कौन सा मिलेगा, टिल्ट और टेलीस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, भाई जैसे अपना क्लच है वो हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ब्रेक वाला प्रेशर वाला सिस्टम देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। इसके दर्शन भी आप लोगों को अंदर ला के करवा देते हैं। तो भाई ग्लोबल सीरीज ऐसे ही नहीं किया जा रहा था, देखो भाई स्टोरेज का ऑप्शंस देखो आप लोग, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, और एक यहाँ पे ग्रैब हैंडल, कितने सारे ग्रैब हैंडल दे रखे हैं। अंदर चल के बताते हैं, ये सारा सीट का एडजस्टमेंट है, फुल्ली बकेट फिनिश वाली ये सीट रहने वाली है, और देख लो, और चलते हैं अंदर। 2+1 का कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, वहीं आप लोगों को अगर कोई काम करना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, तो आप लोग इस सीट को नीचे फोल्ड करके इसको एज ए पार्शल ट्रे का काम भी कर सकते हो। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर, जैक वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन पीछे रह जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को स्लाइडिंग विंडो ओपनिंग का कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है वेंटिलेशन के लिए, और वेंटिलेशन के लिए आप लोगों को कंपनी फैन का कॉन्फ़िगरेशन भी दे रही है। वहीं ये इमरजेंसी वाले सिस्टम्स है, SML सारथी ऐप से ये लिंक रहने वाला है जिसमें आप लोगों की सारी अपडेट्स रह जाएंगी। USB को पोर्ट का साइन है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक 5 वोल्ट वाला 1 एम्पियर का USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा।
ये फैन वाला है ही, ये आप लोगों के लिए म्यूजिक सिस्टम मैं स्पेशली लगवा के लाया हूँ इस ट्रक के अंदर, मीवाई कंपनी से आया। ये ग्लव बॉक्स रह जाएगा जिसमें फ्यूज बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में ही रहने वाला है, दो ब्लोअर उधर, एक छोटा सा उसके लिए और यहाँ पे ब्लोअर, यहाँ पे ब्लोअर, और भाई छोटा सा अपने डिफोगिंग के लिए काम में आने वाला है। ये रहा वो एस एम एल सारथी कनेक्शन के लिए, जीपीएस वगैरह का सिस्टम देखने को मिल जाएगा, एको पावर बोर्ड मिल जाएंगे, हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, हेडलाइट के कंट्रोल इधर मिल जाएंगे, वाइपर के कंट्रोल आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएंगे, वहीं एग्जॉस्ट ब्रेक और हजार लैंप का कॉन्फ़िगरेशन भी इसी साइड देखने को मिल जाएगा। हजार लैंप लगाने हैं वो लग चुके, हटाने हैं वो हट चुके, सीधा सा काम है। एग्जॉस्ट ब्रेक के लिए भाई इसको अपने आगे किया, पीछे किया, आगे किया, पीछे किया, एग्जॉस्ट ब्रेक वगैरह सिस्टम अपने हिसाब से काम करने लग जाएगा। मीटर दिखा देते हैं पहले, इसको स्टेयरिंग व्हील को नीचे कर लेते हैं अपन। अभी अपन मीटर का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देते हैं आप लोगों को, न्यूट्रल चेक करना जरूरी है भाई। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मीटर का, जिसमें आप लोगों को मैनुअल रीजन वगैरह भी लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक रीजन भी लग जाएगा। इससे अपन क्या चाहिए, 11.29 के एमपीएल की एवरेज दिखा रखी है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा देगा, 12.5 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज दिखा देगा, डेफ वगैरह का दिखाई देगा। तो ये सेटिंग्स वगैरह इसमें अपन कर सकते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा देगा और आप लोगों को टाइम पावर मोड, टाइम पावर मोड और आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले दिखा ही देगा। फुल है, रियर वाला भी फुल है क्योंकि इसमें प्रेशर ब्रेक का कॉन्फ़िगरेशन है। इस साइड आप लोगों को आरपीएम और इस साइड आप लोगों को स्पीड मीटर देखने को मिल जाएगा। हीट एंड कॉल मीटर ये है, इसमें मैंने बताया था कि मैनुअल रीजन लगाने के लिए यहाँ पे ये हीट वाला सिस्टम होना चाहिए और कोई भी नीचे वाला पेडल उस टाइम पर टच नहीं होना चाहिए। बस ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों को फ्यूल मिल जाएगा, यहाँ पे क्रिसमस वाली लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। पावर मोड में डिफॉल्ट आती है, इसको इको में आप लोगों को करना पड़ेगा, वहाँ पे भी इको ये सपोर्ट कर देगी। और बात आई थी भाई इसके लिए, ठीक है सुना देता हूँ चलो। तो भाई इतनी ही आवाज़ इसकी मतलब आएगी, ये सिग्नल अच्छे से पकड़ नहीं रहा तो इसको बंद ही कर देते हैं, ठीक है मतलब ये बजता है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इसको अपन बंद ही कर देते हैं। बाय बाय, इसने बता दिया। अब बारी आती है वीडियो को एंड करने की, एंडिंग में बता देते हैं आप लोगों को। तो मैं ग्रैब हैंडल पकड़ के मैं आ जाता हूँ वापस से बाहर, इसको कर देता हूँ बंद, इतना ही चलाऊंगा मैं ट्रक। अब और क्या चीज़ आप लोगों को बतानी है, अब करते हैं इसको रैप अप, ठीक है। अब रैप अप कैसे करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे आराम से, एक एक करके हर चीज़ रैप अप में बताते जाएंगे। अब क्या चीज़ें बची है भाई, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंजन से, स्टार्ट कर लेते हैं इंजन से ही। तो इंजन आप लोगों को मिलेगा 3455 सीसी वाला, इसमें आप लोगों को इंजन मिला है, 114 एचपी की पावर निकाल देगा, 400 Nm टॉर्क निकाल देगा, 310 एमएम क्लच मिल जाएगी, 5 स्पीड मैनुअल का गियरबॉक्स मिल जाएगा। SLT6 वाला इसमें आप लोगों को इंजन देखने को मिला है, 21.7 फुट वाली लेंथ की लोड बॉडी देखने को मिल रही है, 4760 एमएम की व्हील बेस देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, 3335 एमएम वाला भी आता है, 4760 एमएम का भी आता है और एक व्हील बेस और आती है, उससे भी एक और व्हील बेस 2800 कुछ करके भी आती है, वो आप लोगों को 10.2 टन वाली भी मिल जाती है, 11.1 टन वाला है, 10.7 टन से लेके 11.1 टन का GVW इसमें देखने को मिल जाता है, 8.25 वाले टायर्स हैं, एयरबैग का कॉन्फ़िगरेशन 6 टायर में ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। बात आती है प्राइसिंग्स की, तो प्राइसिंग्स मैं अभी बता दूंगा, कल को चेंज होगी तो आप डीलर को परेशान करोगे, तो सीधी सी बात है मैं डीलर के नंबर दे देता हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे कन्फर्म कर लीजिए सारे ऑप्शन आपके लिए। अब क्या बचा इसमें, तो अब एक चीज़ बची जो है वीडियो एंडिंग। वीडियो एंडिंग कैसे करेंगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट सेक्शन में बता देना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और कौन से आप लोगों को वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी एक और वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।